क्या पता उनसे गालियां वालियां या मार भी दे सकती है। तो मैंने क्योंकि मैं कभी एक टाइम पे सोच भी नहीं सकता था। ब्लॉग में नहीं डालने वाला, मैंने अपने लिए बनाया। राजू को इंडिपेंडेंस डे के दिन कितना सही काम किया है यहाँ पर। एक चीज़ तो होनी चाहिए, कमेंट में जय हिंद जो है स्पैम हो जाना चाहिए। राजकोट की चाय के साथ कोई मुकाबला नहीं। क्या पता मुझे गालियां वालियां या मार भी दे सकती है। जब मैंने किया कुछ को ले नहीं रहा, ये दूध ले। मेरी जान, मेरी जान को क्या हुआ? ब्लॉग में नहीं डालने वाला, मैंने अपने लिए बनाया था। ब्लॉग नहीं बनाना। तो अभी मुझे 5 से 7 दिन हो गए हैं शायद से जम्मू आए हुए। मैंने कैमरा ओपन नहीं किया व्लॉग करने के लिए। ओहो, बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है वैसे। एक चीज़ तो अच्छी हुई, बारिश हुई और बाइक साफ हो गई, चला गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 35 kg की जो हम प्रेस लगाते हैं वो तब तक इजी है अनटिल और अनलेस हम इसको फ्लाई मूवमेंट में ना कर रहे हो। जस्ट मैं कुछ ऐसे डायलॉग मारना चाहता था लेकिन पीछे म्यूज़िक का साउंड इतना ज़्यादा है तो इस वजह से मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही है। एंड सेकेंडली आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज लिफ्टिंग 35 kg डंबल आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months ऑफ गैप। पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम हैवी डंबल या हैवी प्लेट या कुछ भी ऐसा उठाते हैं हमारी बैग के अंदर एक एटलीस्ट आग बनी होनी चाहिए जिससे हम बहुत सारी इंजरीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम सुमो डेडलिफ्ट के समय जिस तरह से लिफ्ट करते हैं हम कोशिश कर सकते हैं कि उस तरह से हम अपने डंबल को लिफ्ट करें। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब शोल्डर प्रेस के लिए अपने डंबल को प्लेस करते हैं वो अपने पेट के बहुत करीब रख लेते हैं, उससे हमारी शोल्डर तक जो है डंबल को ले जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमको कोशिश करनी है कि जब हम शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं उसके लिए हम अपने डंबल को अपनी जो हाई है उसके सबसे आगे वाली पोजीशनिंग पे रखें जिस वजह से हमको एक अच्छा पुश मिल सकेगा ऊपर तक ले जाने के लिए डंबल को। That's true.
इंडिपेंडेंस डे के दिन कितना सही काम किया है यहाँ पे। ये लग रहा है ना यहाँ पे खतरनाक है सब। एक चीज़ तो होनी चाहिए यार, कमेंट में जय हिंद जो है स्पैम हो जाना चाहिए एटलीस्ट, आज के दिन तो बनता ही है। एटलीस्ट 15 कमेंट आने चाहिए जय हिंद से, 15 कमेंट का टारगेट रखते हैं। और वो कमेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जय हिंद आना चाहिए, साथ में एक इंडिया का फ्लैग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।